भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक प्रदीप शर्मा शनिवार को सुमेरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सुमेरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले सभी 7 प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ में उपखंड कार्यालय की सभा कक्ष में बैठक ली गई है। वहीं पर्यवेक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च करने की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर व्यय पर्यवेक्षक 3 चरणों में आकर प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से चुनाव राशि खर्च की जानकारी लेंगे। ये हमारे व्यय पर्यवेक्षक वहां पे विजिट पे हैं आज, और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनके आय व्यय के ब्यौरे का जांच कर रहे हैं, और हमारे जो पास में शैडो रजिस्टर है उस उनका मिलान कर रहे हैं। ये इनको 3 बार इंस्पेक्शन करवाना होता है। आज इनका पहला इंस्पेक्शन है, उसके बाद 18 तारीख को दूसरा इंस्पेक्शन करेंगे और 23 तारीख को इनका तीसरा इंस्पेक्शन होगा। ये हमारा शेड्यूल बनाया हुआ है। एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है विधानसभा? एक प्रत्याशी के अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए तक खर्च की सीमा है।